अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क के हवाले से हर चीज़ की जो न्यू अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि 31 मार्च 2021 को पाई नेटवर्क ने वायलेट इशू करना था, जो आपकी जो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इसने अपलोड होना था। तो इसकी जो न्यू अपडेट आई है वो उसके मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज आपसे गुजारिश है कि मज़ीद आगे वीडियो देखने के लिए और हर नई आने वाली अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल के को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। तो हम जो बात कर रहे थे वो पाई वॉलेट के हवाले से है। पाई वॉलेट जिस वक्त मुतारफ़ हुआ है 31 तारीख की बजाय, इनका कोई आउट ऑफ कंट्री का टाइम का मामला है, तारीख का मामला है, तो उनकी तारीख थी जो वो 31 थी और हमारी 1 अप्रैल बन रही थी। तो इन्होंने पाई वॉलेट जो है वो टेस्ट नेट के लिए अवेलेबल कर दिया है, लेकिन उसमें इस्तेमाल के उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें आपने करना क्या है और आपके जो पाई ऐप है उसके ऊपर इसने किस वक्त शो होना है और किस वक्त आप पाई अपने पाई क्वीन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में आपको तफसीलन बताने जा रहे हैं। तो होगा यूं कि जो टेस्ट नेट वॉलेट आया है उसे आप सिर्फ इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर आप अपना सबसे पहले पब्लिक की और प्राइवेट की का जो ऑप्शन है आपको, यानी कि ऑप्शन मिलेंगे, आपने वो कीज़ को कॉपी करना है और अपने पास महफूज रख लेना है, क्योंकि इनके पास जो सिस्टम ये मुतारफ करवा रहे हैं जो प्राइवेट की है उन्होंने आपको एक दफ़ा देनी है। अगर आप उसे सेव नहीं करेंगे, महफूज नहीं करेंगे, तो आपकी जो प्राइवेट की है वो फारिग हो जाएगी और आपकी जो भी जमाशुदा क्वींस हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। ये वॉलेट जिस वक्त रियल आएगा उस टाइम भी इनकी यही पॉलिसी होगी कि प्राइवेट की जो है उसे आपने खुद अपने पास महफूज रखना है। पाई नेटवर्क की टीम के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक कि वो आपकी प्राइवेट की को महफूज कर सके। तो जो पब्लिक की है वो एक पासवर्ड होता है, जैसे आप दीगर नेटवर्क के जो वॉलेट इस्तेमाल करते हैं वो उसी तरीके का बिटकॉइन का या ब्लॉकचेन का और क्वीन बेस का जैसे अकाउंट आता है उसी तरह से आपको पब्लिक की दी जाती है। उसके ऊपर आपने अपने क्वीन को ट्रांसफ़र करना है, रिसीव करना है, उसी के ऊपर यानी कि आपका अकाउंट वैलिड होगा और ये आगे चलेगा। ये टेस्ट नेट का जो मतलब है वो सिर्फ ये है कि जिन लोगों को इसका इलम नहीं है इससे ये फ़ायदा उठा लें, जो वॉलेट है उसे इस्तेमाल करने का तरीका सीख लें, इधर से पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाई नेटवर्क की जो टीम है उन्होंने ये फैसला किया है कि हर जो भी आदमी लैपटॉप से इस वॉलेट को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा उसे तो पाई नेटवर्क की टीम अपनी तरफ से 100 क्वीन का गिफ्ट देगी। तो वो 100 क्वीन उनकी वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल सिफर होगी, वो सिर्फ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। वैल्यू अगर आप कहेंगे तो वो उसकी नहीं होगी, वैल्यू इसकी उस वक्त बनेगी जब 3 से 4 दिन 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर जिस वक्त आपके मोबाइल ऐप के अंदर पाई वॉलेट मुतारफ होगा, पाई वॉलेट का ऑप्शन आएगा जहाँ से आप ऊपर 3 डॉट पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल और दिगर जो सिस्टम हैं इसके अंदर वो मुतारफ करवाए जाते हैं, तो उसी के अंदर आपको पाई वॉलेट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी थी कि काफ़ी लोग इस वक्त परेशान हैं कि वॉलेट आ गया हमसे इस्तेमाल नहीं हो रहा, वॉलेट अकाउंट नहीं बन रहा है, हमें प्राइवेट पब्लिक की नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट नेट वॉलेट है। अगर आप इसमें नहीं भी अकाउंट बना सके हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस वक्त इनका ऑफिशियल वॉलेट 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अपलोड होता है, आपकी इसी ऐप पर अपलोड होगा, उस वक्त आपने अपना पाई वॉलेट बनाना है और उसे बड़ी समझदारी के साथ और तरीके से बनाना है। तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो आज की जो पाई वॉलेट के हवाले से थी। आइंदा न्यू अपडेट जिस वक्त पाई वॉलेट मुतारफ होगा और ऑफिशियली आएगा उस टाइम आपको एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आसिफ रजा को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।